लेकिन धर्म की बात तो यह है कि दीपाली से मिलने के बाद मैं खुद पागल हो गया। अच्छा प्यारे, ऐसी चीज है वो? चीज की बात पूछते हो। परियों में कोकाब की परी, बुतों में अजंता एलोरा का बुत, फलों में कश्मीर का सेब। बस बस बस, मेरा धर्म खराब मत करो, मैं आगे ही अकेला हूँ। दरवाजा खोलो। लो, वो पागल बूढ़ा फिर आ गया। अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तोप से उड़ा दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं 10 तक गिनता हूँ, अगर 10 गिनने तक दरवाजा नहीं खुला तो किसी की खैर नहीं, समझे? 1, 2, 3। बेटा मैंने तो अभी 3 तक ही कहा है, 10 पूरे कहा हुए हैं, और फिर बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं देते, इसको नीचे कर लो। आप बंदूक से डराना भी जानते हैं और डरना भी? ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि तुम अभी बच्चे हो, और बेटा बहुत नाजुक हो, नाजुक बच्चे ऐसे खतरनाक हथियारों से नहीं खेला करते। चलो इसका मुंह उधर कर दो, उधर कर दो। तुमने अभी तक ये मकान खाली क्यों नहीं किया? फिर से बंदूक का क्या मतलब? मैं तो शिकार पे जाने के लिए बंदूक को साफ कर रहा था। शिकार पे जाने के लिए? क्या कहा तुमने? हाँ, शिकार पे जाने के लिए। शिकार? वेरी गुड, तुम शिकारी हो? शिकार तो हमारा खानदानी शौक है। वंडरफुल, फिर मैं गाँव में नाराज हो रहा था। अब कोई परवाह नहीं, शिकारी पे तो मैं 100 गुना माफ कर सकता हूँ। गुंजा, ये शिकार का शौक तुम्हें कब से? जी बचपन से, मेरे पिताजी हिंदुस्तान के नामवर शिकारी थे। अरे ऐसा कौन सा नामवर शिकारी है जिसको मैं नहीं जानता? क्या नाम था उनका? लाला लोपी प्रसाद। अरे रे 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 रे, वो तुम लाला लोपी प्रसाद के बेटे हो? अरे वो लोपी प्रसाद जिसको देखकर जंगल के जानवर लोप हो जाते थे। अरे वो तो इतने बड़े शिकारी थे कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उनको अच्छी तरह जानते थे। एक बार अफ्रीका के जंगल में एक आदमखोर शेर ने उनको देखा और अपनी खाल छोड़कर भाग गया। लेकिन मेरे पिताजी अफ्रीका तो कभी नहीं गए। तो अमेरिका होगा। लेकिन उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी भोपाल के जंगलों में गुजार दी। अरे याद आया, मेरी याददाश्त तो क्या हो गया है, भोपाल में ही मैं उनसे मिला था। मैं जिस शेर का पीछा कर रहा था वो भी उसी शेर के पीछे थे। जब हम बिल्कुल करीब हुए तब हमें पता चला कि वो शेर नहीं था बल्कि एक जंगली कुत्ता था। कुत्ते का क्या नाम है? मैं तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? राम भरोसे। ओह, इसको राम के भरोसे रहने दो। तुम्हारा क्या नाम है? प्रीतम। ओ वेरी गुड नेम। प्रीतम, जब तुम छोटे से थे तब तुम्हें आलोपी प्रसाद जी की गोद में मैंने देखा था, और अब माशाल्लाह क्या डील डाउन निकली है, क्या कद है, क्या सूरत है। जी तेरा बेटा, अच्छा बेटा अगर तुम मूछे रख लो तो बिल्कुल आलोपी प्रसाद नजर आओगे। लेकिन मेरे डैडी की मूछे कभी नहीं थी। अरे तुम्हें नहीं मालूम थी, जब शिकार पे जाते थे रख लेते थे। आज सचमुच फखर से मेरा सब कुतुब मीनार हो गया है। फखर किस बात का? अरे फखर इस बात का कि तुम मेरी भांजी के प्रीतम हो। और किस बात का? अरे दीपाली भी कितनी खुशकिस्मत है जिसको तुम जैसा नौजवान खूबसूरत जीवन साथी मिला है। देखो बेटा, मेरी धमकी वमकी से डरना वरना नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। किस बात की? मेरी भांजी से मिलने जुलने की, और किस बात की? शुरू हो जाओ। आप ये दिल से कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, नाक से कह रहा हूँ? कमाल आदमी है। देखो बेटा, कल मैं अपनी भाजी को यहाँ लेकर खुद आ रहा हूँ। क्या जोड़ी है, प्रीतम और दीपाली, दीपाली और प्रीतम।